हेलो एंड नमस्कार स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अन एकेडमी यूपी एग्जाम यहां पर आपको यूपी पीसीएस के साथ साथ यूपी डब्ल एस सी इलाहाबाद हाईकोर्ट यूपी स्टेट के सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी जो सीरीज चल रही थी मुहावरों की टॉप हंड्रेड मुहावरों में ये दूसरा पथ है जिसमें कि आज भी हम पचास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू सभी छात्रों का स्वागत है मोस्ट वेलकम है जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन करें स्वागत है कुलदीप अरुण बिहान रेहान चलो भाई बिहान एंड रेहान राजेश सरोज वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू तो आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि ये क्लास और भी छात्रों तक दोस्तों मित्रों तक आपके पहुँचे वो भी इसका लाभ उठा लें तब तक एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहेंगे अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप घर बैठे यूपी स्टेट के एग्जाम तैयारी कर सकते हैं यूपी पी की कंप्लीट तैयारी मात्र सात हजार रुपए में आपको कंप्लीट तैयारी साल भर का एक्टिवेशन मिलता है जिसमें कि प्री प्लस मेन साथ ही साथ अदर्स जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी का हो गया यूपी पुलिस का हो गया आर ओ आर ओ का हो गया वो सारे आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं उसी फीस में ये आपका वीडियो एग्जाम का क्रैश कोर्स चल रहा है जिसका प्राइस फाइव सिक्स नाइन है और ये यूपी स्पेशल है जो कि रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा साथ ही साथ ये पी सी के मेन्स के बैचेस चल रहे हैं जिनकी प्राइज है तो आपको वन टाइम एक्टिवेशन लेना है और अपनी तैयारियाँ स्टार्ट कर सकते हैं चलिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है तनिष्क प्रेम देवी सभी का स्वागत है अमित तिवारी वेरी गुड इवनिंग मोस्ट वेलकम है बिहान सैनी तो सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपको अनएकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है ये हमारा रेफरल कोड है और इस रेफरल कोड के माध्यम से आप बिल्कुल फ्री की क्लासेस अनएकेडमी पर फ्री क्लासेस भी चलती हैं जिसको स्पेशल क्लास कहा जाता है आप जाकर उसको देख सकते हैं पी डी एफ भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे अनएकेडमी के ही प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एक ही फीस में सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है चलिए स्वागत है जय हिंद यूपीएससी uh, की तो यूपीएससी में भी अन का यूपीएससी कैटेगरी है आप उसमें जाएंगे वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगी ये यूपी पी का मैं बता रहा हूँ ठीक है बिहार तो चलिए स्वागत है वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू जितेन शाह यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं आज का पहला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता यानी कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन कह रहा है मुहावरे हैं क्या है मुहावरे हैं तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ है ना बहुत पहले से चला आ रहा है हिंदी में इसका एक अलग स्थान है देखिए कह रहा है अपने मरे बिना यानी कि जब तक आप स्वयं प्रयत्न नहीं करोगे अपने मरे बिना खुद के लगे हुए तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा है ना तो अपने मरे बिना मतलब स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है ठीक है ये सटीक मुहावरे का अर्थ ये होगा मरे बिना मतलब विपत्ति का मतलब नहीं है कि मर गए विपत्ति हो गए अपने मरे बिना यानी कि स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है तभी जाकर काम बनता है ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा अब आप देखेंगे तो सोचेंगे कि इसमें चारों सही लग रहा है विपत्ति वाला भी सही हो सकता है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती या स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है लेकिन जो सही जवाब है स्वयं प्रयत्न करने पर ही स्वर्ग दिखेगा यानी कि काम बनेगा ठीक है ए वाला यहाँ पर करेक्ट होगा ध्यान रखिएगा स्वय प्रयत्न करने पर ही काम बनता है चलिए काम बनने की बात हो रही है इस प्रश्न का जवाब दीजिए उस प्रश्न क्वेश्चन में आपको डाउट होगा हर जगह आपको अलग अलग उसका अर्थ मिलेगा लेकिन आयोग ने जो सही जवाब दिया था वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखें क्या कह रहा है घड़ी में तोला घड़ी में माशा ये मुहावरा है पल में पल में परिवर्तन होता रहता है घड़ी मतलब पल पल समय है तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा तो आप देखोगे क्या ऐसे लोग जो जरा सी बात पर खुश हो जाते हैं जरा सी बात पर दुखी हो जाते हैं है ना ऐसे लोग होते हैं यानी कि जरा सी बात है ना ये जरा सी बात पर खुश और नाराज हो जाते हैं आपके सोसाइटी में बहुत ही ऐसे लोग मिलते होंगे ठीक है जो क्या है खुश और नाराज पल पल भर में तो घड़ी में तोला घड़ी मासा नाजुक मिजाज नहीं कह सकते है ना इसका अर्थ नाजुक में आप नहीं लगा सकते जरा सी बात पर खुश होना और जरा सी बात पर नाराज होना इसी को कहा जाता है घड़ी में तोला घड़ी में माशा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है आज भी पचास प्रश्न है ध्यान से देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कहता है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया देखो कलेजा पसीजने का मतलब होता है दया उत्पन्न होना दया उत्पन्न होना ठीक है तो भाई यहाँ पर कलेजा पशिस्ना कहते ना उसका कलेजा नहीं पसजा है ना बहुत कठोर हृदय का है उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कलेजा पश्चिम जाने का मतलब होता है दया उत्पन्न होना ठीक ये एक सही यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलमा का कलेजा पसी गया कलेजा पशिस्ता मतलब दया के भाव मदद और इन सब चीजों के बारे में आप देख सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए चौथा प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा ये जो प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा ठीक है चलिए बताइए देखिए इसको कहते हैं धनी मूर्ख आंख का अंधा और गांठ का पूरा इसका मतलब होता है मूर्ख धनी होता है ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है अंधा परंतु विवेकशील अंधे के पास धन होना आंखों का रोना नहीं होता दोस्त यहाँ पर क्या होता है धनी मूर्ख या मूर्ख धनी मूर्ख आप इसको कह सकते हैं ठीक है चलिए स्वागत है प्रणाम स्वागत है भाई अनंत त्रिपाठी आगे बढ़ते हैं दोस्त अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इसको जरा समझिए मंत्री के आने पर जनता ने यानी कि मंत्री जी का आगमन हुआ और पब्लिक ने जनता ने उन्हें उठा कर भी नहीं देखा आंख देखने का मतलब क्या होता है यानी कि उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया उनको अनदेखा कर दिया जैसे कोई आपका शत्रु है मित्र है या जिससे आपकी ज्वेलसी है, है ना आपका प्रतिद्वंदी है और आ जाए सामने आपके तो आप उसको अनसुना कर देंगे अनदेखा कर देंगे आंख उठाकर देखने का मतलब क्या होगा ध्यान नहीं देंगे ध्यान तक न देना उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया यही आपका सही होगा ठीक है सी करेक्ट होगा मंत्री जी गए लेकिन जनता ने उन्हें ध्यान भी नहीं दिया मंत्री आए हैं चले जाएंगे कोई मतलब नहीं है ठीक है यहां पर आपका सी करेक्ट होगा अनदेखी करना गोद में लड़का शहर में भिडोरा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा है क्या है कह रहा है गोद में लड़का और शहर में ढिंडोरा यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा गोद में लड़का और शहर में ढिंडोरा यानी कि कोई वस्तु आपके पास में है क्या हो जाएगा पास में वस्तु होते हुए भी चारों ओर खोजना है ना पास में वस्तु होते हुए भी चारों ओर खोजना यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ठीक है भाई चलिए सभी छात्रों के सही जवाब आ रहे हैं बिल्कुल वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है सातवां प्रश्न कहता है आग में घी डालना देखिए इसके पहले वाला जो पार्ट वन मैंने कराया है पार्ट वन वाले को जरूर देख लीजिएगा उसमें भी मैंने पचास प्रश्न कराए हैं इसी की आगे की ये सीरीज है आज भी मैं पचास करा रहा हूँ तो टोटल सौ मुहावरे मैं आपको दे रहा हूँ तो दोस्तों आग में घी डालने का मतलब क्या होता है कहते नहीं कि जहाँ जल रही आग उसमें घी और डाल दो तो यहाँ पर क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना कोई व्यक्ति आग बबूला है क्रोधित है उसको आप और बढ़ा चढ़ा रहे हो मारो इसको मारो ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आग में घी डालना ठीक है क्रोध से आग बबूला तो है ही है लेकिन आप उसमें और लकड़ी लगा रहे हो तो यानी और उसको उत्तेजित कर रहे हो तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक है हाँ बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर एट की ओर बढ़ते हैं आठवां प्रश्न देखिए तू डाल डाल मैं पात पात देखिए क्या कह रहा है तू डाल डाल मैं पात पात। यानी कि अगर आप जैसा करोगे आप चलाकी करोगे उसका जवाब चलाकी से ठीक है चलाकी का जवाब चलाकी से देना मतलब होता है तू डाल डाल मैं पात पात यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आठवा कलम तोड़ना देखो भाई जितने मुहावरे हैं सब एक से बढ़कर एक सेलेक्टेड में दे रहा हूं कलम तोड़ना यह मुहावरा है और कलम तोड़ने का मतलब मुहावरे में क्या निकल कर आएगा ये आपको बताना है देखो सही लिखना ज्यादा लिखना बेकार लिखना बहुत अच्छा लिखना बहुत सुंदर लिखना कलम तोड़ लिखाई यानी कि बहुत ही अच्छा लिखना यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है कलम तोड़ने का मतलब होता है बहुत ही अच्छा लिखना बेकार लिखकर प्राश्चित करना नहीं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है वेरी गुड आप देख सकते हो मुहावरों का जो लेवल है बहुत ही हाई टाइप का लेवल है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी प्रश्न है दसवा प्रश्न है कहता है समय के अनुसार काम करना चाहिए यानी कि जैसा माहौल हो वैसा आपको ढलना चाहिए जैसा समय हो है ना तो समय के अनुसार काम करना चाहिए यानी कि यहाँ पर क्या होगा जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजे। ये मुहावरा लोकोक्ति है समय के अनुसार काम करना चाहिए यहाँ पर क्या होगा देखो जाके पाओ न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर जिसके ऊपर वह बीती ही नहीं इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है बांझ क्या जाने प्रसव पीड़ा ठीक है तो जाके पावना फटी भी क्या जाने पीर प्राय जिसके ऊपर बीती नहीं है वो दूसरे का दर्द क्या जाने उंगली पकड़ कर पहुंच, प, पहुंचा पकड़ना किसी को बैठने की जगह दो और वो लेट जाता है ठीक है का वर्षा जब कृषि सुखाने समय पर काम ना आना है ना का वर्षा जब कृषि सूख गए समय पर काम नहीं आया समय पर वो चीज पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखिए ग्यारह प्रश्न है चिकना घड़ा होना ये मुहावरा है चिकना घड़ा होना यानी कि इसका क्या अर्थ होता है इसको कमेंट करके बताएंगे चिकना घड़ा होना क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो भाई बहुत ही निर्लज व्यक्ति जो निर्लज हो गया है उसको हम चिकना घड़ा कहते हैं चिकना चुपड़ा होना समृद्ध होना या मधुरभाषी होना नहीं कहते हैं यानी कि वह व्यक्ति बिल्कुल निर्लज है उसकी आंख का पानी ढल गया है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर प्रश्न देखिए आंख के अंधे नाम नयन सुख तो भाई आंख का अंधा यानी कि नाम के विपरीत गुणों का होना है ना गुणों के विपरीत नाम का होना गुणों के विरुद्ध नाम का होना आंख के अंधे और क्या है नाम नयन सुख हो जाएगा चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर जहां न पहुंचे रवि रवि का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य से है दिनकर दिवाकर भास्कर भानु अर्क ये पर्याय होते हैं जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि यानी कि कवि बहुत ही कल्पनाशील होता है कवि क्या होता है बहुत ही कल्पनाशील होता है कहीं भी अपनी कल्पना से पहुंच जाता है तो कवि बहुत कल्पनाशील होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा वेरी गुड सबके सही जवाब आ रहे हैं चलिए चौदहवा प्रश्न देखिए अवांछित संवाद यानी बिना बात की बात किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है वांछित और अवांछित है ना तो यहाँ पर आप देखेंगे बेफियूल का सर खपाना है ना क्या खाना अवांछित संवाद करना ठीक है तो यहाँ पर क्या करना सिर खाना ठीक है यहाँ पर क्या होगा क्यों मेरा सर खा रहे हो क्यों फालतू की बात कर रहे हो सर खाना यहाँ पर हो जाएगा कहते ना कि यार जाओ यहां से दूर मेरा सर मत खाओ फालतू के बकवास कर रहे हो ठीक है तो सिर खाना यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा अवांछित संवाद यानी कि कोई आपका मित्र आ गया आपके पास और ऐसी बातें कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है आप क्या कहोगे चले जाओ यहाँ से मेरा सर मत खाओ फालतू की बातें कर रहे हो यानी कि अवांछित संवाद कर रहे हो तो यह सिर खाना होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा ठीक है समझ गया पंद्रहवा देखिए नौ दो ग्यारह होना नौ दो ग्यारह होना नौ दो ग्यारह है ना नौ प्लस दो ग्यारह ठीक है ये तो गिनती है लेकिन नौ दो ग्यारह होने का मतलब क्या होता है ठीक है देखो भाई नौ दो ग्यारह का मतलब भाग जाना है पुलिस को देखते ही चोर नौ दो ग्यारह हो गए है ना नौ दो ग्यारह का मतलब क्या होता है भाग जाना होता है यहाँ पर ध्यान रखेंगे चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं सोलहवा प्रश्न देखिए सोलहवा प्रश्न कहता है जस दूल्हा तस बनी बराता यानी कि देखिए ये कहावत है जैसा दूल्हा वैसी ही बरात अब यहाँ पर आप क्या करोगे यानी कि जैसे खुद है वैसा है उसका साथी है थे ना यहाँ पर क्या हो जाएगा जस दूल्हा तस बनी बराता जिस प्रकार से दूल्हा है उसी प्रकार से उसके साथी हैं यहां पर दोस्त आपका सही जवाब हो जाएगा सोलहवे का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ठीक है समझ रहे हैं? देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी क्लासेस देखा करिए प्रश्न कहता है सत्रहवा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब कि काठ मतलब लकड़ी होता है और उसकी हांडी को आप एक बार प्रयोग कर सकते हैं इस सेंस में क्या कह रहा है जो अगर आपसे किसी ने छल कपट एक बार कर लिया तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं होता और इसके रेफरेंस में एक और कहावत होती है दूध का जला है ना छाछ भी फूक फूक कर पीता है ठीक है दूध का जला साछ छाछ छाछ आप जानते हो जो मट्ठा होता, होता है जो कि ठंडा होता है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है तो इसलिए छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता आप किसी को एक बार ठग लोगे तो वह दूसरी बार आपसे सतर्क हो जाएगा और ऊँट के मुंह में जीरा बहुत ही सिंपल सा मुहावरा है दोस्त ऊँट कितना बड़ा होता है और उसके मुंह में जीरा चला गया यानी कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना कहते ना कि यार ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है क्या दे रहे हो ठीक है तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा ठीक है ऑप्शन नंबर ए अभी तक मैंने अट्ठारह प्रश्न कराए हैं अठारह में से पंद्रह किसके सही हो रहे हैं देखिए मुहावरे हो गए पर्यायवाची हो गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है अगर वो कैप सेक्शन को मिला दोगे तो कम से कम आठ से दस प्रश्न तो यही बनते हैं वो कैप वाले से ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर उन्नीसवा देखिए अपनी ढपली अपना राग यानी कि सब लोग अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं अपना अपना राग कर रहे हैं कोई में तालमेल ही नहीं है यानी कि अपनी ढपली अपना राग इसको आप क्या कहोगे कि भाई इनमें अभाव है संगठन का अभाव है कोई एक एक चीज मत पर नहीं है सब अलग अलग अपना राग लाप रहे हैं तो अब संगठन का अभाव अपनी ढपली अपना राग ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बीसवा प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंभा बहुत अच्छा प्रश्न है हम लोग कहते हैं खिसियानी बिल्ली और खम्भा नोचे जवाब देंगे बहुत ही अच्छे शानदार प्रश्न है सही हुए हैं अमित तिवारी चलिए वेरी गुड पढ़ते रहिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है सोच के जवाब दीजिएगा प्रश्न क्या कहता है प्रश्न कह रहा है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे बताइए भाई किसियानी बिल्ली खंभा नोचे ऑप्शन बी आ रहा है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना हाँ देखिए यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आनंद त्रिपाठी सी बता रहे राजे देखो यहाँ पर आपको लगेगा कि ये भी सही लग रहा है ये भी सही लग रहा है, है ना या ये भी आप लोग को सही लग रहा होगा लेकिन ध्यान रखिए खिसियानी बिल्ली खंभा ऊंचे अपनी बात पर आप शर्मिंदा होकर है ना आपने ऐसी बात की क्रोध कर रहे हैं अपनी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना खिसियानी बिल्ली खम्भान नोचे यहाँ पर क्या होगा बी वाला आंसर करेक्ट होगा इस बात को ध्यान रखिएगा किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध होना उसको कहते हैं खिशियानी बिल्ली और खम्भा नोचे है ना? चले। खग जाने खग की भाषा ये लोकोक्ति है इसको ध्यान से देखिएगा दिए गए लोकोक्ति विकल्पों में से बताना है खग का मतलब पक्षी होता है और यानी कि जो जैसा होगा वह उसकी भाषा को समझेगा यानी कि समान प्रवृत्ति वाले लोग है ना क्या हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं खग जाने खग की भाषा चोर है तो चोर को अच्छा भाषा समझ जाएगा चोर चोर की भाषा समझ जाएगा ठीक है तो खग जाने खग की भाषा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा देखो भैया डेली आपकी क्लास हो रही है शाम को छः बजे मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ कल क्लास नहीं हो पाई थी लेकिन आपको जबरदस्त कंटेंट मिल रहा है तो कोशिश करिए क्लासेस जरूर देखा करिए लाइव ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कहता है एक मुंह दो बात है ना एक मुंह है दो बात यानी कि आप इसको क्या कहोगे कोई आपसे कहा कि भाई मैं कल आपको ये काम कर दूंगा आपका और वह बात से पलट गया है ना आप कल की जगह परसों यानी कि अपनी बात से पलट जाना एक मुंह दो बात कहते ना कि तुम अपनी बात पर कायम नहीं रहते हो एक मुंह दो बात करते रहते हो इधर उधर करते रहते हो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड देखिए अंधेर नगरी कहते नहीं अंधेर नगरी चौपट राजा ठीक है अंधेर नगरी अगर आप कहो कहीं जा रहे हो आप किसी ऑफिस में जा रहे हो कोई काम कराना हो वहां पर कहोगे यार यहाँ तो अंधेर गर्दी मची हुई है है ना अंधेर गर्दी मची यानी कि वहां पर क्या हो रहा है वहां पर अन्याय है कि यार ये अंधेर नगरी है यहाँ पर न्याय वाय नहीं मिलने वाला ये अन्याय की जगह है अंधेर नगरी तो इसका जो अर्थ होगा अन्याय की जगह राज्य विहीन स्थान नहीं होगा ठीक है पेट के लिए कब पढ़ाओगे अभी भैया पेट कहाँ आ रहा है अभी जो आपके सामने एग्जाम है क्या नाम है आपका अथर्व पेट 2022 से कुछ परीक्षाएं तो हो जाने दो अभी आयोग जब निकालेगा देखा जाएगा पेट भी पढ़ाया जाएगा ठीक है अभी वीडियो एग्जाम है जो सामने है उसको पढ़िए और ये पेट में भी काम आएगा परेशान ना हो ये आगे कुआ पीछे खाई है ना आगे कुआ है और पीछे खाई है यानी कि मुसीबत है दोनों तरफ है तो क्या कहोगे दोनों ओर मुसीबत है आगे कुआं पीछे खाई यानी कि दोनों ओर मुसीबत ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी इज द राइट आंसर ठीक है समझ गए आप देख रहे हैं कि कितने इंपॉर्टेंट मुहावरे में आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहा हूं पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ट्वेंटी फाइव देखिए समुद्र मंथन करना अगर कोई कहे यार तुम तो समुद्र मंथन कर रहे हो मतलब इसका होता है कठोर परिश्रम करना है ना समुद्र मंथन करने का मतलब क्या होता है जिस प्रकार से समुद्र मंथन करने के उपरांत अमृत निकला था यानी कि आप कठोर परिश्रम कर रहे हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी घोर तप करना दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा मतलब भीष्म भीष्म पिता भीष्म प्रतिज्ञा होती है उद्देश्य को प्राप्त करना नहीं समुद्र मंथन मतलब कठोर मेहनत करना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं छब्बीसवा देखिए प्रश्न कह रहा है तेली का बैल होना यानी कि तेली का बैल या कोल्हू का बैल आप ये कह सकते हो जिस प्रकार से जो तेली का बैल है उसको क्या करते है? बुरी तरह काम में लगा होता है बेचारा दिन भर काम में लगा होता है ना बुरी तरह काम में लगे रहना कुल्हू का बैल या आप तेली का बैल कह सकते हो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा चलते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए एक से बढ़कर एक मुहावरे लोकोक्तियां कहावते आपके समक्ष लेकर मैं उपस्थित हूँ और इस बात को यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए इसके पहले मैंने पढ़ाया था भीगी बिल्ली प्रश्न को देखिए जवाब दीजिए बिल्ली को पहले दिन मार देंगे क्या होगा बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए बिल्कुल यहां पर देखिए जो भय है भय भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए यह ध्यान रखिएगा जो भय है इसका समन शुरू में ही कर देना चाहिए इसका तात्पर्य होगा बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा ठीक है देखो भाई आप लोग थोड़ा सा कमेंट का मोर्चा भी संभाल लो हमें पढ़ाने दो वीडियो का क्या मतलब होता है थोड़ा एक छात्र बार बार पूछ रहा है वीडियो का फुल फॉर्म लिखकर कमेंट कर दो यार कोई ठीक है वीडियो का क्या मतलब होता है वीडियो की क्लास अटेंड कर रहे हो वीडियो का मतलब नहीं पता तुम्हें यार गजब हो अठाईसवा प्रश्न देखिए माथा ठनकना माथा ठनकना ठीक है पढ़ाने का काम हमें दे दो कमेंट सेक्शन थोड़ा आप लोग संभाल लो चलो माथा ठनकने का मतलब क्या होता है माथा ठनकना है ना तो भैया उसको देखते मेरा माथा ठनक गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यानी कि मुझे शक हो गया था है ना मुझे शक हो गया था यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेरा माथा ठनक गया था ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है समझ गए भैया उदास नुकसान या सरदर्द होना नहीं होता है माथा ठनकना यानी कि शक होना ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं उनतीस प्रश्न देखते हैं हाथ को हाथ न सूझना बहुत ही जबरदस्त लाजवाब मुहावरे हैं हाथ को हाथ न सूझना इसका कमेंट करके जवाब दीजिए ठीक है ठीक है हाथ को हाथ न सूझना बताओ भाई सौरभ यादव क्लास नहीं निकली अभी आधे क्वेश्चन बचे हैं उनतीस प्रश्न हुए हैं देखिए अभी पचास प्रश्न में करा रहा हूं तो इकतीस प्रश्न इक्कीस प्रश्न बचे हैं देखो हाथ को हाथ ना सूझना यानी कि आप अंधेरे में जा रहे हो घना अंधेरा है आपको अपने हाथ नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा हाथ है किसका हाथ मुझे दिख ही नहीं रहा है यानी कि घना अंधेरा होना ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे छात्र कह रहे हैं भ्रम में चोट लगना खोए रहना घना अंधेरा होना हाथ को हाथ ना सूझना ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा सी इज द राइट आंसर होगा तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं और एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे ठीक है समझ गया आप लोग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर अभी भी आप लोग डी और इस पे पड़े हुए हैं हाथ को हाथ न सूझना भ्रम में पढ़ना नहीं मतलब भैया भ्रम में नहीं घना अंधेरा होना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है चेक कर लीजिएगा इसको चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उनतीस हो गया तीसवा प्रश्न कहते ना मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा इसका मतलब क्या होता है ठीक है कौन चकरा रहा है भाई <laughs> हाथ को हाथ ना सूझने का मतलब होता है घनघोर अंधेरा होना घना अंधेरा होना ठीक है भाई विनय कुमार क्या नाम है आपका सैनी सुनीत ठीक है ठीक है देखो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा और कहते ना कि आप तुमने सब सत्यानाश कर दिया कि एक राय पर पानी फेर दिया ठीक है तुमने क्या किया अच्छा खासा बनता हुआ काम नाश कर दिया यहां पर क्या होगा पानी फेर देना सत्यानाश कर देना किए किराए पर पानी फेर दिया समझ गया आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखिए खो देना खो देना क्या कह रहा है खो देना मतलब भैया कहते नहीं कि आप अगर ग्राम विकास अधिकारी बन गए और आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो देंगे आप नौकरी को खो देंगे यहाँ पर क्या होगा हाथ धोना खो देना हाथ मलना नहीं हाथ काटना नहीं कटाना नहीं साफ नहीं हाथ धोना खो देने का मतलब हाथ धो दिए आप नौकरी से हाथ धो दिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी करेक्ट होगा समझ गए भाई अच्छा सुनी देखो सुनीत सैनी रहे हो ऐसे प्रश्नों को देखकर मैंने कहा ना कि जो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा वो मैं पढ़ाऊंगा ठीक है अगर ये प्रश्न आ गए लोग मुहावरों को विलोम शब्दों को और पर्यायवाची को हल्के में लेते हैं अब ऐसा प्रश्न उठा के दे देगा एग्जाम में तो आप परेशान हो जाओगे कि अब हम क्या करें आप मौके से हाथ धो दो दोगे अच्छा आया गया सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा पौ बारह होना पौ बारह होना बत्तीस प्रश्नता भाई पौ बारह होना कमेंट करेंगे बहुत ही जबरदस्त क्लास है और आप हमारी अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री क्लासेस देख सकते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इस रेफरल कोड का प्रयोग करना है हमारा जो रेफरल कोड है सक्सेस मंत्रा जहां पर मैंने जी के भी पढ़ाया हुआ हिंदी पढ़ाया हुआ है और ये सारे बैचेस भी आप ले सकते हो फ्री की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो यू का भी प्रैक्टिस सेट चलता रहता है ठीक है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मौके का लाभ उठाइए पौबारा होने का मतलब लाभ ही लाभ होना है ना ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा <laughs> बन गए बहुत पैसा है चलो आगे देखो अंगूठी का नग होना बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी अंगूठी है और आप उस अंगूठी के नग हो अंगूठी है और जब अंगूठी में नग लगेगा तो आप क्या कहोगे कि यार ये बहुत कीमती वस्तु है ये अंगूठी का नग है नगीना है बहुत कीमती है ना बहुत कीमती इसका सेंस लगाओगे बहुत प्रिय नहीं बहुत कीमती ठीक है ऑप्शन नंबर अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कीमती होता है ठीक है कंप्यूटर के नोट्स ठीक है भाई हाँ बहुत देखो यहाँ पर क्या होगा बहुत कीमती अंगूठी का नग नगीना मतलब कीमती के सेंस में लेते हैं इसको ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग आंसर यहाँ पर लिखे गए आपको लगेगा अंतर के पट खोलना देखो भाई अंतर के पट खोलने का मतलब क्या होता है यानी कि भेद खोलना राज खोलना अंतर के पट खोलना मतलब भेद खोलना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों पैंतीसवा प्रश्न क्या कहता है आ, अगर मगर करना अगर मगर है ना अब आपका मित्र है उसने आपसे कुछ पैसे उधार लिए थे यार दे दो पाँच सौ रुपए हम आपको परसों दे देंगे परसों करते करते अगर मगर करते करते महीना बिता दिया साल बिता दिया फिर पता चला आप ही गए हमारा पैसा कौन लिया था है ना तो अगर मगर करना मतलब क्या बहाने बनाना ठीक है इधर उधर की बात करना नहीं कपट करना नहीं व्यर्थ समय गवाना नहीं यार बहाने क्यों बना रहे हो क्यों अगर मगर कर रहे हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा डी करेक्ट होगा अगर मगर कर रहे हो ठीक है ये ध्यान रखिएगा कंफ्यूजन होगा अगर मगर आप सोचेंगे इधर की बात उधर करना यानी कि नारदगी करना ठीक है ये ध्यान रखिएगा अगर मगर करना होता है बहाने बनाना ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसवा प्रश्न देखिए सिर सहलाए भेजा खाए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है और बहुत सारे छात्रों ने थोड़ा नए नए प्रश्न दिख रहे होंगे आप लोगों को प्रश्न में ही कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ये कह क्या रहा है सिर सहलाए भेजा खाए है ना भेजा अब देखिए सिर सहलाए भेजा खाए का मतलब होता है दोस्त बनकर हानि पहुंचाना दोस्त है और भेजा खाए ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्त बनकर भेजा खाना ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन थर्टी सेवन देखिए जुबान पर लगाम ना होना कहते ना अपनी जुगाम जुबान पर लगाम दो मतलब कि अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना है ना ये करेक्ट होगा स्पष्टवादी होना बेमतलब का जुबान पर लगाम देना आगे देखिए एक अनार सौ बीमार यानी कि एक अनार सौ बीनार मतलब किसी की क्या है सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो किसी वस्तु की पूर्ति कम मांग अधिक है ना एक अनार है और सौ बीमार होता है यानी कि किसी वस्तु की पूर्ति कम है किंतु मांग अधिक है ये आप सही लगाओगे ये नहीं होगा महामारी नहीं होगा किसी वस्तु की आपूर्ति आप समाप्त होना भी नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं थर्टी नाइन अग्नि परीक्षा देना कहते नहीं कि ये आपके अग्नि परीक्षा का समय है देखो तो अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है भाई अग्नि परीक्षा का मतलब क्या होता है रुको अग्नि परीक्षा का मतलब ठीक है समझिए यानी कि ये आपकी कठिन परिस्थिति है आपकी कठिन ये कठिन घड़ी है ये आपकी अग्नि परीक्षा है कहते ना कि यार मुसीबत है आज भगवान अग्नि परीक्षा ले रहे हैं कल का दिन अच्छा होगा ये हमारी कठिन परिस्थितियां हैं ठीक है कठोर तप साहस पुख दृढ़ निश्चय नहीं कठिन परिस्थितियों में पढ़ना अग्नि परीक्षा होता है ठीक है ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चालीस देखते हैं से मस न होना, देखिए टस से मस है ना आप देखिए टस से मस यहां पर आप देख सकते हो है ना कठोर हृदय एक सेंस में नियर अबाउट आप ये भी देख सकते हो लेकिन कहते ना कि वह पैर पकड़ता रहा लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ है ना वह पैर पकड़ पकड़ कर रोता रहा लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ टस से मस मतलब हो नहीं होना अनुनय विनय से न पसीजना ये भी आप लगा सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा ठीक है तो ये आपका करेक्ट बैठेगा है ना टच से मस्त ना होना मतलब अनुनय विनय से न पसीजना वह रोता रह गया लेकिन वह टच से मस नहीं हुआ ठीक है ये भी आप कह सकते हो ये बी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा लेकिन ये भी आप नियर अबाउट सही लगा सकते हो दोनों हो सकता है एक मुहावरे का कठोर हृदय होना भी और ये भी ये दोनों लगा सकते हैं एग्जाम में आएगा तो ठीक है लेकिन जो एग्जैक्ट अगर आप दोगे तो इस हिसाब से ये भी सही है और ये भी ठीक है दोनों सही कठोर हृदय होना ठीक है लेकिन यहाँ पर अनुनय विनय से न पसीजना टांग अड़ाने का अर्थ है टांग अड़ाना कोई आपके काम में टांग अड़ाता है कोई आपके काम में टांग अड़ाता है तो आप क्या कहोगे कि यार क्यों अवरोध पैदा कर रहे हो क्यों टांग अड़ा रहे हो है ना अवरोध पैदा करना यानी कि टांग अड़ाना ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फोर्टी टू देखिए बयालीसवा देखिए आगे नाथ द पीछे पगहा बहुत अच्छा है भैया आगे नाथ है ना पीछे पगहा मतलब कि वह क्या है बंधन रहित है पूर्ण स्वतंत्र नहीं बंधन रहित है ना आगे नाथ है ना पीछे पगहा है बंधन रहित है उसके पास कोई बंधन नहीं है ना बंधन रहित ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखिए फोर्टी थ्री देखिए तीन लोग से मथुरा नियरी है ना देखिए तीन लोग से मथुरा न्यारी ये बार बार आता है क्वेश्चन अब इस प्रश्नों का अगर आप देखोगे तीनों लोग हैं है ना तीन लोग कौन कौन से होते हैं आप सभी जानते हैं धरती आकाश पताल तीनों लोग अब देखोगे तो मथुरा न्यारी मतलब क्या सबसे निराला होना तीन लोग से मथुरा न्यारी है सबसे निराला होना ठीक है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ही करेक्ट होगा लोक में प्रसिद्धि नहीं होगा मथुरा अनोखी नगरी नहीं है सबसे सुंदर नहीं सबसे निराला होना तीन लोक से मथुरा क्या मतलब होता है सबसे निराला होना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर देखिए आगे बढ़ते हैं युद्ध में मृत्यु पाना युद्ध में मृत्यु पाना यानी कि आप युद्ध में मृत्यु पाने वाले को हम क्या कहेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है जवाब दीजिए युद्ध में मृत्यु पाना युद्ध में मृत्यु पाना मतलब वह देश के काम आया एक शब्द यूज होता ना देश के काम आना एस है ना तो वह क्या होगा युद्ध में मृत्यु पाना मतलब वह काम आना काम आया ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है युद्ध में मृत्यु पाने का सही अर्थ होता है वह देश के काम आया काम आना ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है तो बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला है पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा ये पार्ट टू है इसके बाद हम पर्याय वाची पर्याय वाची कराएंगे थी है ना तो वहां पर क्या को कठोर प्रतिज्ञा नहीं कठोर प्रतिज्ञा नहीं होता शब्द सही एक दृढ़ प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह यानी की भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है एक दृढ़ प्रतिज्ञा करना ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है समझ गया आप लोग बिल्कुल आगे देखिए एक चीज होता है खेत रहना यह भी प्रश्न आता है खेत रहना काम आना युद्ध में शहीद होना ठीक है आगे देखिए जस दूल्हा तस बनी बराता जस दूल्हा तस बनी बराता अब इसका आप ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है यानी कि सभी साथी एक ही जैसे जैसा दूल्हा वैसे बराती है ना यानी कि सभी साथी क्या होंगे एक जैसे होंगे जस दूल्हा तस बनी बराता क्वेश्चन है अगला अगला देखिए हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत बहुत अच्छा प्रश्न है बहुत सारे छात्रों के लिए नया प्रश्न होगा ध्यान रखिएगा हसुहे के ब्याह में खुरपी का गीत यानी कि हंसुए का ब्याह है खुरपी का गीत है यानी कि असंगत बातें करना ठीक है ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा असंगत बातें करना ठीक है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत असंगत बातें ठीक समझ रहे हैं आप लोग तो बिल्कुल आप लोग डेली क्लास को शाम को छः बजे अन के इस प्लेटफॉर्म पर आया करिए बहुत सारी क्लासेस आपको नई नई क्लासेस देखने को मिलेंगी अच्छे तरीके से क्लासेस दी जाएंगी आप देख रहे हो कंटेंट आपको क्या मिल रहा है ठीक है ऐसे कंटेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है अड़तालीसवा देखिए खून पानी होना एक तो होता है खून पसीना एक करना खून पसीना एक करना है ना खून पसीने एक एक कर दिया उसने एक करना और एक होता है खून पानी होना है ना वह जवानी ही क्या जो देश के काम ना है ठीक है चलिए अब देखिए खून पानी होने का मतलब क्या होता है यार खून तुम्हारा खून खोल नहीं रहा इस घटना को देख कर ये विपत्ति आ गई है इससे मेरा खून खोल रहा है और किसी का खून पानी हो चुका है यानी क्या क्या हो गया कोई असर नहीं हो रहा है खून पानी हो चुका है तुम्हारा तुम्हारे खून में कोई उबाल नहीं है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कोई असर नहीं होना उसका खून पानी हो चुका है कुछ भी कोई हो रहा है कोई असर इसको नहीं पड़ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होना ठीक है चलो आगे देखिए छक्के छुड़ाना छक्के छुड़ाना प्रश्न है छक्के छुड़ाना अब देखिए भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए यानी कि बुरी तरीके से पराजित करना हरा देना बुरी तरीके से पराजित करना या हरा देना छक्के छुड़ाना होता है चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन है आज का पचास प्रश्न मैंने आपको कराए हैं आज का पचासवा प्रश्न है ये कहता है कुम्हार अपना ही घड़ा जो कुम्हार है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार कहलाते हैं और अपना घड़ा सराहते हैं कोई अपनी वस्तु बुरी नहीं कहता है ना यानी कि अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है चाहे जैसी बनी हो है ना तो अपनी बनाई हुई वस्तु जैसे कि आप घर में रोटी बना रहे हो जल गई अब अपनी बनाई हुई वस्तु को खा लेंगे जली रोटी खा लेंगे अगर आपकी कोई घर में किसी सदस्य ने बना दिया तो आप दो चार बातें सुनाओगे कि रोटी जल गई है, हम नहीं खाएंगे लेकिन जब खुद बनाओगे और जल जाएगा ना तो वो भी अच्छी लगेगी ठीक है थीके? तो कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है यानी कि अपनी बनाई हुई वस्तु को सबको अच्छी लगती है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों ये था टॉप फिफ्टी का आज का सेशन कल मुलाकात करेंगे प्रायवाची के सेशन में और आप सभी छात्रों के लिए अन्यकेडमी पर यूपी पी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है मात्र सात हजार रुपए में आपको प्री प्लस मेन यानी कि कंप्लीट तैयारी उसी फीस में आर ओ आर ओ भी पढ़ सकते हो उसी फीस में यूपी पुलिस आने वाली अन्य जो भर्तियां हैं ठीक है ठेके? आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा जरूर अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ठीक है चलो भाई अमित तिवारी कमलेश गौतम कुलदीप श्रीवास्तव चलिए मोस्ट वेलकम है आपका और बिल्कुल मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में थैंक यू वेरी मच टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप अन एकेडमिक ऐप को डाउनलोड करिए वहाँ पर मेरी फ्री क्लासेज हैं आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं लाभ ले सकते हैं पढ़ते रहिए है और अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप आगे आप, आप, आपका जो भी टारगेट है वो आप अचीव कर सकें थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय थैंक यू Thank <laughs> you.